सारे किसान भाइयों ने राम राम। किसान भाइयों, खेत किसान यूट्यूब चैनल में मैं सत्यनारायण बयान आपका स्वागत करता हूं। आज आपको जानकारी देंगे गाजर के अंदर स्प्रे के बारे में। किसान भाइयों, आप जो है गाजर की खेती करते हैं और उसके अंदर जो है उगने से पहले स्प्रे करते हैं घास का, लेकिन कई बार क्या होता है कि गाजर में घास उग जाता है और उसका फिर कोई समाधान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप इसको मजदूरी से उखड़वाओगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तो इसके अंदर जो है अगर आप स्प्रे कर देंगे तो ये जो है घास का निस्तारण कर देगा और इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब हमारे यहाँ पर गाजर में घास हो गया है और इसके अंदर जो है हम स्प्रे कर रहे हैं और दो टंकियाँ लगातार इसके अंदर चल रही है, तो ये जो है घास का स्प्रे किया जा रहा है। इसके बारे में कौन सी दवाई डालनी चाहिए और किस प्रकार से इसका स्प्रे होगा, कितनी इसकी मात्रा डालनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो किसान भाई पहली बार अपने यूट्यूब चैनल पर आए हैं, लाल बटन को टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन कर देना किसान भाई ऑन, नोटिफिकेशन आल कर देना, वीडियो को लाइक व ज्यादा ज्यादा शेयर करना और कमेंट करके बताना मत भूलना कि वीडियो आपको कैसा लगा। आइए जानकारी लेते हैं गाजर में घास के बारे में। किसान भाई, ये जो हमने बोई थी तो हमने इसके अंदर जब स्प्रे करने की टाइम आई यानी कि बिजाई के तुरंत बाद, उस वक्त बारिश हो गई और इसके अंदर हमारे पैर नहीं रुके, तो इसके अंदर हालांकि हमने कुछ दिन बाद घास का स्प्रे किया, लेकिन उस वक्त क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा घास इसके अंदर उग गया था। अब जो है आप इसके अंदर देख सकते हैं कि ये बड़ा घास जो है उगया हुआ है, हमारे यहाँ इसको शामक बोलते हैं और आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये आपको पता होगा। तो ये उग आया, उगने के बाद हमने इसके अंदर हालांकि स्प्रे भी किया लेकिन इसका कंट्रोल नहीं हुआ। अब जो है ये बहुत ज़्यादा हो गया है, आप देख सकते हैं कि गाजर जो है इतनी इतनी सी है और ये लगभग आपका 9-10 इंच की जो लंबाई ले चुका है और आप हरियाली देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मात्रा में यह हो गया है। तो इसका जो है आज हमने स्प्रे किया है और इसका रिजल्ट जो है 3 दिन बाद आएगा, तो 3 दिन बाद जो है मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा और रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि कैसा हुआ है। आज मैं आपको स्प्रे के बारे में जानकारी दे देता हूँ कि स्प्रे में हमने कौन सी दवाई की है। किसान भाइयों, वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, हमने गाजर की बिजाई से शुरू करके गाजर के अच्छे बीज, गाजर की बिजाई और अब इसके अंदर घास का स्प्रे, इसकी उखड़वाई और गाजर का बीज कैसे तैयार करना है इसके बारे में भी एक पूरी सीरीज बना रही हैं और उसके कुछ वीडियो मैं डाल चुका हूं और जो गाजर के अंदर अगर घास हो जाता है तो इसका वीडियो मैं आज डाल रहा हूं। और इसके अंदर किसान भाइयों हमने एजिल दवाई की है, इसका जो रेट, इसकी कंपनी और इसकी डोज के बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। परसों मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगा, तो रिजल्ट देखने के लिए आप तैयार रहिए, आइए इसका परसों का इंतजार करते हैं। तो किसान भाइयों, हमने 2-3 दिन पहले स्प्रे किया था, मैंने जैसा कि आपको दिखाया कि आज स्प्रे कर रहे हैं तो मैंने दिखाया था, उसके बाद मैं इसका आपको रिजल्ट दिखाता हूँ कि गाजर के अंदर इसके कैसे रिजल्ट हैं। ये आप देख सकते हैं किसान भाइयों, इसके अंदर घास जो है पूरी तरह से जड़ गया है और इसकी जड़ें जो है बिल्कुल गड़ गई हैं, ये देखिए आप। और अगर गाजर की बात की जाए तो इसके अंदर से हरी गाजर दिखने लगी हैं, हालांकि इसके अंदर जो है पहले गाजर बिल्कुल दिखाई नहीं देती थी, ये कोई 2-4 दिन पहले हमने स्प्रे किया है। और आपको मैं चारों तरफ दिखाता हूँ कि आप जो देख सकते हैं कि लाल रंग का जो है घास हो गया है और गाजर जो है इसके अंदर से हरी हरी झांकने लगी है। इस तरफ भी मैं आपको दिखाऊं, जिस तरफ घास कम था तो आप देख सकते हैं कि गाजर इसके अंदर जो है अब निकल आई है। अब बात करते हैं किसान भाई, इसके अंदर दवाई कौन सी की और मात्रा कितनी डाली तथा उसका रेट और उस कंपनी का नाम। इसके अंदर किसान भाई हमने दवाई की है जेट्रोला के नाम से है, ये सिजेंटा कंपनी की है, आप देख सकते हैं। अगर इसके अंदर बात की जाए कि ये कौन से नाम से आती है तो हम इसको लेके आए थे एंजिल के नाम से। इसके साल्ट की बात की जाए तो किसान भाई इसका साल्ट है प्रोपाक्विजा फोप 10% EC, ये आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। साल्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी इसको देख करके खरीद सकते हैं। अगर गाजर के अंदर नुकसान की बात की जाए तो हो सकता है किसान भाई अंदर खाते थोड़ा बहुत नुकसान हो, लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं गाजर के अंदर कोई खास नुकसान इसका है नहीं। और अब बात करते हैं किसान भाइयों इसकी दवाई की मात्रा की। मात्रा इसकी किसान भाई हमने डाली है 40 ml प्रति 15 से 18 लीटर वाली जो टंकी आती है उसके अंदर। अगर आपके पास 25 लीटर वाली टंकी है तो आप 50 ml इसकी प्रति टंकी के अनुसार डाल सकते हैं। बात करते हैं किसान भाइयों रेट की। रेट इसका जो है हमने 700 रुपये के आसपास जो है आधा लीटर का दिया है, आप अपने क्षेत्र के अनुसार मोल भाव करके ले लें। और ये वाला साल्ट आप किसी भी दवाई में ले लें, मेरा इससे ये तात्पर्य नहीं कि आप यही दवाई लें, इसी कंपनी की लें, मैं किसी कंपनी की मसूरी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक दवाई बता रहा हूँ जो आपकी समस्या का निदान करेगी। जो किसान भाई पहली बार अपने YouTube चैनल पर आए हैं, लाल बटन को टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन कर देना किसान भाई ऑन, नोटिफिकेशन ऑल कर देना, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि गाजर जिन्होंने बो रखी है उनके साथ कोई समस्या है तो वो भी इसका लाभ उठा सके। जय जवान जय किसान।